मेरठ में गरीबों का अपने आवास का सपना साकार हो गया है। जो लोग अब तक छप्पर डालकर झोपड़ियों में सो रहे थे और रह रहे थे, आज उन्हें अपने पक्के मकान की चाबी मिल गई है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय भवन में आयोजित कार्यक्रम में सांसद राजेंद्र अग्रवाल, मेयर हरिकांत अहलुवालिया समेत गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनके मकानों की चाबी सौंपी गई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत चेक वितरित कर उन महिलाओं को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में लोन लेकर अपना रोजगार स्थापित किया। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कार्यक्रम में कहा कि अपने आवास की चाबी पाकर लाभार्थियों ने सरकार की सराहना की है। यानी 2024 तक सभी को मकान देने का जो एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का था वो पूरा हो रहा है। 3.5 करोड़ से अधिक आवास, यानी आप ये देखिए लगभग 15 करोड़ 16 करोड़ की आबादी उससे लाभान्वित हुई है। और केवल आवास ही नहीं दिए हैं, आवास के साथ जो अन्य आवास से संबंधित सुविधाएं होती, चाहे वो गैस हो, चाहे बिजली हो, चाहे वो पानी हो, वो भी दिया है। कच्चा घर था जी, छप्पर पड़ा हुआ था, आज पक्का हो गया, उसकी चाबी मिल गई। मैं मोदी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे पक्का मकान है। पहले मैं झोपड़ी में रहती थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, मेरे 6 सदस्य हैं, उसमें हमें बहुत दिक्कत आती थी, बारिश आ जाती थी तो बच्चों को कहाँ सुलाएं, कहाँ बिठाएं, और खाना बनाने में भी, घर में आने जाने में भी, कच्चे में, और छप्पर भी टपकता था हमारा, इसलिए हमें बहुत दिक्कत होती थी।